सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप गाइस सब अच्छे होंगे। तो फाइनली आज के दिन सभी कोई मोड जा चुके हैं गाइस। यहाँ दोस्तों बात कर रहा हूँ गोडजिला वर्सेस कॉन्ग के कोलैबोरेशन के चलते हमें जो भी मोड्स मिले थे एरेंगल, शेनोक और लिविक के अंदर, वो सभी कुछ जा चुके हैं। और हाल ही में आज के दिन एक न्यू मोड आ चुका है जो कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था। जहाँ दोस्तों बात कर रहा हूँ ट्रेवर्स इंसेक्टोइड मोड के बारे में। तो गाइस ये जो मोड है लिटरली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है हर किसी अदर मोड्स के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर आपको एक टेलीपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो, वो भी लैब के थ्रू, और साथ ही आपको यहाँ पर आंटमैन बनने का भी मौका मिलेगा। तो होपफुली आपको ये इवेंट बहुत ज्यादा पसंद आएगा, एंजॉय करो इसको। और अब बात कर लेते हैं हमारा एक आज के दिन एक न्यू इवेंट आया गाइस जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी है। और इस इवेंट के अंदर गाइस आपको मिलने वाला है एक परमानेंट आउटफिट प्लस आपको एक एकेएम का स्किन भी देखने को मिलने वाला है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ वो इवेंट कौन सा है और उसको कैसे कम्प्लीट करना है। तो गाइस अभी यहाँ पर आपको इवेंट सेक्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर कुछ एड रन कर रहे होंगे तो आपको फोर्थ वाले एड को ओपन करना है एंड आपके सामने टेक्टिकल ड्रिल करके एक इवेंट ओपन हो जाएगा। तो इस इवेंट को अगर गाइस देखा जाए तो यहाँ पर हमें एक परमानेंट आउटफिट मिल रहा है, उसी आउटफिट का एक हेडगियर भी देखने को मिल जाता है और साथ ही प्लस में आपको एक एकेएम का स्किन मिल जाता है वो भी परमानेंट। तो चलो गाइस मैं अब आपको अच्छे से इस इवेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो इवेंट है गाइस ये स्टार्ट हुआ है 9th जून से लेकर 8th जुलाई तक चलने वाला है, यानी कि आपको टोटल 1 मंथ मिलता है इस इवेंट को कम्प्लीट करने के लिए। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस आपको 3 सेक्शन देखने को मिले हैं, एक आउटफिट का, हेडगियर का और तीसरा एक एकेएम का। तो इसमें से आपको किसी एक को चूज करना होगा और फिर आपको परमानेंट मिलने वाला है। बट गाइस अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको तीनों ही मिल जाए तो कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको तीनों नहीं तो एटलीस्ट 2 तो इसके अंदर से आपको मिल ही जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो 3 सेक्शन दिख रहे होंगे इसके अंदर से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आउटफिट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आउटफिट को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप एक्टिवेट करोगे तो गाइस आपको एक नोटिस मिलेगा और इस नोटिस के अंदर गाइस ये बताया कि अगर आप किसी भी एक चीज को सिलेक्ट कर लेते हो आउटफिट या गन के स्किन को तो उसके बाद आप 72 आवर्स तक इनको चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है ना आपसे गलती हो जाता है, मुझे एकेएम का स्किन लेना था तो आप सोच रहे हो बैक करके मैं वापस चला जाऊं, तो गाइस उस टाइम आपको 72 आवर्स रुकना पड़ेगा फिर ही आप चेंज कर पाओगे। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं आउटफिट के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो मुझे ये आउटफिट परमानेंट मिल जाएगा। बट यहाँ पर ये अभी परमानेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको मिशंस मिलेंगे और वो जब कम्प्लीट होंगे तभी आपको ये परमानेंट आउटफिट मिलने वाला है। वैसे तो अभी आपको ये आउटफिट मिल चुका है, गेम के अंदर आप यूज भी कर सकते हो इसको, बट यहाँ पर ये परमानेंट तभी होगा गाइस जब आप यहाँ पर 90 पॉइंट्स इकट्ठे कर लोगे तो यहाँ पर आपको ये परमानेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे साइड आप देख सकते हैं आपको ढेर सारे मिशन मिले हैं और ये जितने भी मिशन है गाइस ये आपको डेली बेसिस पे रिफ्रेश होते दिखेंगे, यानी कि आज आए कल फिर आपको नए मिशन मिलेंगे तो आपको रोजाना इसको कम्प्लीट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी छोटे छोटे मिशन है, जैसे कि पहला मिशन आपको देखने मिल जाता है क्लासिक मोड खेलना है, दूसरा आपको 5000 मीटर व्हीकल को ट्रेवल करना है क्लासिक मोड के अंदर, तीसरे के अंदर गाइस आपको टॉप 10 में आना है क्लासिक मोड के अंदर, और चौथे मिशन के अंदर गाइस आपको अपने फ्रेंड के साथ 2 क्लासिक मैच खेलने होंगे। लास्ट में आपको 2 मिशन दिख रहे होंगे, इस पे एंड टोटल 30 यूसी। तो गाइस अगर आप इसको नहीं भी करते तब भी चल जाएगा, फिर भी आपको ये परमानेंट आउटफिट मिल जाएगा। एंड जो लास्ट वाला मिशन है गाइस वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको 400 मिनट स्पेंड करना होगा इन गेम के अंदर, वो भी आपको 7 डेज के अंदर। तो काफी डेज मिल जाते हैं, आसानी से कम्प्लीट हो जाएगा। तो अगर गाइस बेसिकली देखा जाए तो अगर आप लास्ट वाले 2 मिशन नहीं भी करते तब भी आप देख सकते हैं आपको 1 दिन के अंदर 8 कॉइन मिल रहे हैं, यानी कि आप 10 या 12 डेज के अंदर आसानी से आउटफिट को ले सकते हैं। तो बस गाइस आपको यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको हर रोज ये मिशन कंप्लीट करने हैं। तो अगर एक सेक्शन आपका 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है तो बेसिकली तीनों जो सेक्शन है आपको 30 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हुआ ना फायदा आपका। एंड साथ ही गाइस अगर आपका डाउट है कि आपने गलत सेक्शन चूज कर लिया तो आपको फिर से सेक्शन चूज करना है, तो मैंने आपको आगे ही ऑलरेडी बताया कि आपको 72 आवर्स लगने वाले हैं, यानी अगर वो दिन में काउंट करें तो आपको 3 दिन वेस्ट जाने वाले हैं इस इवेंट के अंदर। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने आउटफिट सिलेक्ट कर लिया तो बस उसके मिशन कंप्लीट करने लग जाओ और जैसे 90 पॉइंट्स होंगे तो उसके बाद फिर आप चेंज करके गन के स्किन पे चले जाना और उसके मिशन कंप्लीट करके आप दोनों ही ले लेना। तो गाइस अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे आपके 90 पॉइंट्स हो जाएंगे तो ये मिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये परमानेंट आउटफिट आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको लेफ्ट साइड में आपको एक चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर जाकर आप फिर गन का चूज करके उसके मिशन कंप्लीट करने लग जाना। तो इसी तरीके से गाइस अभी तीनों ही चीज ले सकते हो। होपफुली आपको इवेंट अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। तो चलिए अब मिलते हैं जल्दी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू गाइस।